वहीं प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी पूरी यूपी पुलिस के रवैये में बदलाव नहीं आ रहा है। पुलिस उत्पीड़न का गंभीर आरोप बांदा पुलिस पर लगा है, जहां तलाशी के दौरान मारपीट में एक गर्भवती महिला का गर्भ गिर गया है। वहीं पुलिस पीड़ित महिला के आरोप से इनकार कर रही है। यूपी पुलिस के सितम के दर से करा रही ये महिला बांदा पुलिस के कहर का शिकार हुई है। जहां एक मामले की तलाशी लेने पहुंची डाल 100 पुलिस ने महिला से मारपीट करते हुए इस कदर सितम ढाया कि पुलिस की पिटाई से महिला का 3 महीने का गर्भ गिर गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस इतने पर भी नहीं मानी और उसके निर्दोष पति को पकड़कर थाने ले गई, जहां उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। सर, अचानक मेरे घर में पुलिस आई, मेरे पति का कोई कसूर नहीं था और मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर दरवाजे में लात मार कर मेरे पति सो रहे थे, उनको घसीट कर ले जा रही थी। मैं अपने पति को बचाने लगी, मुझे तो जबरदस्ती धक्के देने लगी, मेरे लात मार कर मेरे पति को छुड़ा कर ले गई। और मेरे रात 3 महीने का बच्चा था, दर्द होने के कारण और इस मारपीट के कारण सवेरे गिर गया। पुलिस की हैवानियत का ये मामला बांदा के मरका थाना क्षेत्र के भगुआ का है, जहां पीड़ित सविता ने पुलिस पर घर की तलाशी के दौरान उत्पीड़न कर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल 14 जनवरी को भभुआ में शराब के एक ठेके पर कुछ लोगों ने उत्पात मचाते हुए डाल 100 के 3 सिपाहियों पर हमला कर दिया था, जिसमें अज्ञात आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पीड़ित के घर पर छापा मारा। परिजनों का कहना है कि पीड़ित के पति मनोज का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस महीने सर ये हुआ कि रात में पुलिस आई और पुलिस आकर के जो है दरवाजा खटखटाया और खपरों में मतलब वो मारा जो है डंडा खपरा पूरा और दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खोला कि इन लोगों को पता नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। इन लोगों ने दरवाजा खोला, तब खोलते में अचानक खोल दिया तो अचानक हंस पाए और दरवाजे में पैर मार दिया तो पेट पे लग गया, तो लगने के कारण जो है जो बच्चा पेट में था वो मतलब वो गड़बड़ा गया सर। वहीं पुलिस के आलाधिकारियों ने किसी तरह के उत्पीड़न से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी पति को बचाने के लिए महिला झूठे आरोप लगा रही है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। ये 14 तारीख को हमारे यहाँ जो हमारी PRV है उस पर हमला किया गया था कुछ लोगों द्वारा शराब पी करके, और गाड़ी तोड़ दी थी और लोगों को हमारे स्टाफ को चोटें आई थी। इस संबंध में मुकदमा कायम था और इस संबंध में जब गिरफ्तारी की गई तो जो मनोज कुमार है उसकी पत्नी द्वारा दबाव बनाने के उद्देश्य से पुलिस बंद। अब इस केस के मामले की सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन प्रदेश भर में आए दिन पुलिस उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के बीच इस तरह के आरोप ने एक बार फिर से खाकी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। नेशनल वॉइस के लिए बांदा से मनोज कुमार की रिपोर्ट।